हाय दोस्तों, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं वर्तमान में पार्ट टाइम टीचर और यूपीएससी अभ्यर्थी हूँ। मैंने अपनी 12वीं तक की जो शिक्षा है वो मैथ साइंस फिजिक्स, जिसे पीसीएम कहते हैं, उसमें कंप्लीट की है। क्योंकि मेरा रुझान सिविल सर्विस परीक्षा की ओर था, आईएएस पीसीएस यूपीएससी, तो इसलिए मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में ना जाकर मैंने बीए में एडमिशन लिया और अपना बैचलर ऑफ आर्ट्स हिंदी लिटरेचर एंड सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस से कंप्लीट किया। और अब वर्तमान में मैं मास्टर ऑफ आर्ट्स में अपियर हूँ और 2016 से 2016-17 बैच से ही मैं प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल में टीचर रहा हूँ और विभिन्न सब्जेक्ट पर मैं पढ़ाता रहा हूँ। मेरा मूल विषय पढ़ाने का सोशल साइंस एंड साइंस है, और क्योंकि हिंदी साहित्य में मेरी अच्छी रुचि है, इसके चलते मैं हिंदी की क्लास भी लेता हूँ। और मेरी जो होम ट्यूशन है, होम ट्यूशन भी लगातार पिछले 5 वर्षों से संचालित है। होम ट्यूशन में मैं घर पे 10th 12th लेवल के स्टूडेंट को मैथ की क्लासेस देता हूँ। और वर्तमान में मैं अभी सोशल साइंस मिडिल स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, जिसकी कि मुझे 4 से 5 क्लासें लेनी होती हैं। मैं कक्षा 6 से 10 तक की सोशियोलॉजी की क्लासेस लेता हूँ, जिसमें कि सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण अध्ययन सम्मिलित है, और ये कक्षा ऑफलाइन होती है और मैं अभी ऑफलाइन टीचर हूँ। इस प्लेटफॉर्म पर मैंने जानकारी जुटाई और मुझे लगा कि मैं यूरवान प्रो प्लेटफॉर्म पर अपनी शिक्षा जो है वो प्रदान कर सकता हूँ, तो मैंने यूरवान प्रो के बारे में जानकारी जुटाना चालू की। और मुझे अब लगता है कि यूरवान प्रो जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बच्चों के लिए भी और टीचर के लिए भी। जो फ्रेशर्स टीचर हैं, जिनके पास कोई ऑनलाइन कक्षा नहीं है, उपलब्ध नहीं है, संसाधन उपलब्ध नहीं है, उनके लिए यूरवान प्रो प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिस पर मैंने अभी अपनी प्रोफाइल क्रिएट की है और मैं अपना टीचिंग से संबंधित अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो पिछले 5 वर्षों से मैंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है और मेरी जो होम ट्यूशन है, होम ट्यूशन में हर साल एमपी बोर्ड के बच्चे जो हैं, जितना भी मेरा बैच रहता है पूरे बैच का बैच में पास आउट कराता हूँ और अच्छी परसेंटेज भी रहती है। तो घर पे जो होम ट्यूशन रहती है उसमें मैं हर सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और स्कूल के अंदर मैं हिंदी, संस्कृत और सोशल साइंस ही पढ़ाता हूँ। ये 3 ही सब्जेक्ट हैं। मैं कक्षा 9वीं और 10वीं को सोशल साइंस पढ़ाता हूँ और 5वीं से लेकर 8वीं तक भी सोशल साइंस पढ़ाता हूँ और 9वीं और 10वीं को अलग से फिर संस्कृत की क्लासेस मैं लेता हूँ। और वर्तमान में मैं शिक्षा के साथ साथ अपना कैरियर जो है सिविल सर्विस प्रवेश परीक्षा में मैं अभ्यर्थी रहा हूँ। तो पिछले 3 वर्षों से मेरे 3 असफल प्रयास रहे हैं सिविल सेवा परीक्षा में। मुझे नहीं लगता कि अपनी असफलता को स्वीकार करने में कोई शर्म महसूस होना चाहिए, क्योंकि मेरे 3 असफल प्रयास रहे हैं, तो मैं इसमें उनका जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। अब जो मेरा प्रयास रहेगा वो चौथा प्रयास रहेगा। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के साथ साथ ही मैं पार्ट टाइम शिक्षक का ये योगदान देता हूँ और अभी वर्तमान में मैं नेट यूजीसी जेआरएफ की भी तैयारी कर रहा हूँ, जो कि दिसंबर में मैं इसका एग्ज़ाम दूंगा। और अभी इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए बीए की ट्यूशन, बीए के जो सब्जेक्ट होते हैं, राजनीति विज्ञान, हिंदी साहित्य और समाजशास्त्र, और अगर कोई और भी सब्जेक्ट की क्लास लेना चाहता है तो उसको भी मैं ले सकता हूँ। बाकी 3 विषय मेरे मुख्य रहे हैं बीए की ट्यूशन में, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और हिंदी साहित्य। और कक्षा 10 तक की क्लासों में मैं सामाजिक विज्ञान ही पढ़ाता हूँ विशेषतः। तो ये मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन था। धन्यवाद।